हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, जो काफ़ी सारे एग्जाम में बार बार रिपीटेड हुआ है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, विच आर द मेन फंक्शंस ऑफ द हाइपोग्लोसल नर्व। क्या पूछा है क्वेश्चन, हाइपोग्लोसल जो नर्व है वो उसका मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए विजन एंड सेंसेशन, ऑप्शन बी सेंसेशन एंड हियरिंग, ऑप्शन सी हियरिंग एंड स्मेल, ऑप्शन डी स्वालोइंग एंड स्पीच। तो मेन फंक्शन क्या होगा हाइपोग्लोसल नर्व का, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्वालोइंग एंड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग इज आइडेंटिफाइड इन ईसीजी ड्यूरिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया। क्या पूछे क्वेश्चन, मायोकार्डियल इस्कीमिया जब होता है उस टाइम में ईसीजी में क्या फाइंडिंग, क्या एबनॉर्मल फाइंडिंग दिखाई देता है। ऑप्शन ए इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन बी एक्टोपिक टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन सी डब्ल्यू पैटर्न टी वेव अपीयर्स, ऑप्शन डी हॉरिजॉन्टल एंड स्मॉलर टी अपीयर्स। सो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इन्वर्टेड एंड लार्जर टी वेव अपीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, विच प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। क्या पूछा है उनमें क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो प्रोटीन का फंक्शन के ऊपर बेस्ड करके क्लासीफाइज किया है। ऑप्शन ए ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बी फाइब्रस प्रोटीन, ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स, ऑप्शन डी सिंपल प्रोटीन्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, विच टेक्निक इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग कोलोइडल पार्टिकल्स फ्रॉम स्मॉल आयन यूजिंग ए सेलोफोन एंड कोलोडियन। ऑप्शन ए डिफ्यूशन, ऑप्शन बी डायलिसिस, ऑप्शन सी ऑस्मोसिस, ऑप्शन डी विस्कोसिटी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। क्या पूछा है क्वेश्चन, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है। ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी एक्सॉन, ऑप्शन डी डेंडोन, ऑप्शन डी न्यूरॉन। सो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा नर्वस सिस्टम का, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स,
न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग है उसको और क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट्स, ऑप्शन बी हाइपनोटिक्स, ऑप्शन सी एंटी एपिलेप्टिक्स, ऑप्शन सी एंटी साइकोटिक्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एंटी साइकोटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इजेक्शन हार्मोन इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। सो विच हार्मोन मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है? सो द करेक्ट आंसर इज विच हार्मोन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस? ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑप्शन बी नॉन मेंडेलियन, ऑप्शन सी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑप्शन डी एक्स लिंक डिजीज। सो मोड ऑफ इनहेरिटेंस क्या होगा, इनमें से कौन सा है मोड ऑफ इनहेरिटेंस? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विच इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस? ऑप्शन ए ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोसेस बाय विच मस्क्यूलर फाइब्रा ऑफ द सर्विक्स आर फुल अपवर्ड्स एंड मर्ज विद द फाइबर्स ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज नोन एज ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ द रिट्रैक्शन रिंग, ऑप्शन बी साइन ऑफ प्लासेंटल सेपरेशन, ऑप्शन सी एपिसमेंट, ऑप्शन डी रिसेप्टिव ऑफ रिलैक्सेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एपिसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड एज, क्या पूछा है? एम्ब्रायो का जो स्टेज है इनमें से कौन सा स्टेज में बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ऑप्शन ए फिटस, ऑप्शन बी जाइगोट, ऑप्शन सी एग, ऑप्शन डी गैमेट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिटस। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।